अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सैयद शाह सवार काजमी, आपका अपना सैयद शाह सवार काजमी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जश्न पाक बहुत बहुत मुबारक हो। आज 3-4 शोबान की रात है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की रात है और मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की आमद की रात है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक हो सबको, ईद मुबारक। सबसे बड़ी हमारी ईद है, ईद मुबारक हो आपको। तो अभी मैं जा रहा हूँ जश्न पार्क में, और हुआ आज मेरे साथ कुछ इस तरह कि आज मैंने ना पहनना था कुर्ता, और इस तरह हुआ कि वो आ गया मीडियम साइज का, और मैंने जो है, मुझे आता स्मॉल है, वो मीडियम साइज का आ गया। तो अभी फिर मेरे पास ऑप्शनल में पड़े हुए थे, मैंने तो मतलब मैं लेता रहता हूँ वैसे, तो ये अब ये एक मुझे मिला, तो मैंने बोला ये अभी पहन लेता हूँ। और इसके साथ शॉल्स हैं, 3-4 शॉल्स हैं, तो अब देखते हैं। मेरे पास शॉल की बड़ी कलेक्शन है, इतनी लड़कियों के पास नहीं हुई जितनी मेरे पास, क्योंकि मैं हर ड्रेस के साथ तकरीबन शॉल लेता हूँ तो सर्दियों में। तो अब ये है कि मैंने इनमें से अभी शॉल लेनी है, तो सेलेक्ट कर, तो हसन को बोलता हूँ यार बताओ कौन सी अच्छी लग रही, क्योंकि मैं इस चीज़ में बड़ा हुआ हूँ कि यार ऊपर शॉल करनी है ना, तो मुझे नहीं पता चलता कि कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इसलिए मुझे फिर यही बताते हैं कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो अभी मैंने फिर ट्राई करना है, तो आफ्टर दिस फिर मैं आपको बताता हूँ तैयार होके। सो फाइनली जो है ना, मैंने कुर्ता पहन लिया है, ये गर्मियों का कुर्ता, लेकिन इस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आई, घर पे मम्मा नहीं थी, तो फिर मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा जशन के हिसाब से, क्योंकि व्हाइट है और मैंने ऊपर वैसे भी शॉल करनी, और ये ऊपर ये देखूंगा, ये पहन लूंगा, ये इसके साथ मैच करती है। तो कितने वैसे शशके हैं मेरे ना। तो इस टाइम मैं खुद को ना कभी कभार सोच रहा होता हूँ यार, इतनी ना लड़कियां भी टाइम नहीं लगाती जितना मैं तैयार होने में टाइम लगाता हूँ, मतलब सिर्फ कपड़ों के सेक्शन में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो असल में बात ऐसी है ना यार, तुम लोग भी ना इस तरह की हो आप सब, कि मैंने ना एक दफा, मुझे याद है इंस्टाग्राम पे मैंने एक दफा एक कुर्ता पहन के पोस्ट की, और वो रात की मैंने पोस्ट की थी। नेक्स्ट डे मैंने वो ही ना कुछ टाइम बाद मैंने वो कुर्ता दोबारा रिपीट कर, लोग कहते हैं आपके पास सिर्फ एक ही कुर्ता है, मतलब फिर मुझे बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि यार रिपीट ना हो एटलीस्ट, फिर मुझे सिलेक्शन करनी पड़ती है काफी। आज मुझे मम्मा कहती है तुम एक दफा पहनते दोबारा तुम पहनते नहीं हो, मैं वही कह रहा था मम्मा कि यार लोग ना बातें करते हैं, कहते हैं उसके पास और कपड़े नहीं है। तो अभी मैंने ऊपर शॉल लेनी है, अब देखते हैं कौन सी शॉल इस पे ज़्यादा सूट करती है, वो मैं हसन से पूछूंगा, साथ में आपको बताऊंगा, हसन लोग भी दिखाऊंगा वो कैसे लग रहे हैं, पेंडू कहेंगे। सो फाइनली जो है ना, मैं रेडी हो गया हूँ, और ये मेरी पूरी लुक है। अब मैं पूरी अपनी लुक दिखा नहीं सकता, वो हसन को मैं बोलूंगा पूरी लुक मेरी दिखाएगा। बात ऐसी है, वाइट कुर्ता ऊपर मुझे हाफ वाइट स्वेटर मिल गई, ठंड बहुत है इधर, और साथ ही इसी के साथ की एक शॉल मिल गई थी बिल्कुल स्वेटर के साथ की, तो वो बिल्कुल एक मैचिंग लग रही है। तो हसन को बोलता हूँ मुझे मेरी फुल लुक दिखाता है, और इनको भी दिखाता हूँ ये कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अब हम लोग निकलेंगे जश्न के लिए, तकरीबन यहाँ पे बज रहे हैं रात के 11, और 11 से भी हम आई थिंक 12 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर कवाली है वहाँ पे, जश्न है, मैं फिर वो पूरा कवर करूँगा इंशाल्लाह साथ साथ। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं जश्न के लिए, और तकरीबन 1 घंटे का रास्ता, और हमने रास्ते से मामा को पिक करना है अभी। ये मैं हूँ, आपने मुझे तो देख ही लिया है, वो पूरी लुक अपनी मैं दिखा सका उधर दिखा दूंगा मैं आपको। ये हसन है, हसन ने अपनी शॉल पूरी की हुई है इस टाइम, और जरार आ गई, और ये जरार पास है, उसने भी वाइट ही कुर्ता पहना हुआ है, लेकिन आगे ना ये पूरा अंधेरा हुआ है तो नजर नहीं आ रहा सही। तो असल ये तुम्हारी तरह गाड़ी को क्यों ब्रेक्स लग रही है बाहर? असल आपकी शादी कब है? अगले शोबान में शादी मिलेगी ना? मिली तो होगी आप लोगों को, इधर भी होगी नाम वाला मिली। वैसे आपकी शादी अभी शोबान में नहीं हुई, क्यों? इतनी भी जल्दी अभी नहीं आई। आपकी कब इजरार बाद शादी? नो नो, इतने भी फिर आप क्यों, वो क्यों 12 बजे में जश्न के दिन पे? असल जरार को क्या हुआ है, तुम इसको क्या बोले? उनको गाड़ी नहीं दी चलाने के लिए। और जरार बच्चे क्या हो गए, रोना नहीं मेरा बच्चा? तो फाइनली हम लोग गाइस पहुंचे हैं यहाँ पे मंबरगा में, और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, कवाली स्टार्ट हुई है मंबरगा के आई थिंक बैक साइड पे, क्योंकि मंबरगा में कवाली नहीं हो सकती, अंदर है आई थिंक। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, और अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे लंगर करने के लिए, इनकी शक्लें देख के लंगर भाई। और वो सामने मामू मेरे बैठे, कमर शाह जी आपको क्या हो गया? ये मेरे मामू है, क्या हो गया मामू आपको?
मसा तो है आप नाना ना। कौन है जी, कौन है? ये भी जश्न मना रहे आज, इन्होंने भी मुस्कुरा रहे हैं ये भी। अच्छा अच्छा, वो जो इन्होंने हमारी मुस्कुराहटे निकाली हुई है, वो उन्होंने जो हमारी मुस्कुराहटे निकाली हुई। अच्छा अच्छा, मैं समझा हमें जो बर्बाद करने की खुशी में मुस्कुरा रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तालियां बजाने वास्ते। गुड, ओ सही है, बन के भी कवाली आया ना। सही बजाओ ताली, किस तरह बजाओगे? नहीं नहीं, अभी यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? लंगर का वेट कर रहे हैं हम। लंगर इमाम मौला मेहदी अलैहिस्सलाम की आरामगाह बनाई हुई है यहाँ पे, मौला का पलंग लगाया हुआ है यहाँ पे, कि मौला जब इंशाल्लाह जब ज़ाहिर तौर पे दुनिया पे आएंगे, पर्दा गैबत से जब पर्दा हटाएंगे मौला, तो यहाँ पे आके आराम फरमाएंगे। कुछ पल के लिए आएंगे लेकिन आएंगे तो। इन्होंने हर इंसान का अपना एक अकीदा होता और उन्होंने उस अकीदे के मुताबिक यहाँ पे अपना एहतमाम किया। मौला के यहाँ पे नारायण मुबारक रखी गई है, तलवार मुबारक रखी गई है, मौला की ख्याली तस्वीर, हर चीज मौला की। उर्दू स्पीक, उर्दू इस जश्न का अभी चल रहा है, तो मैंने घर जाना है क्योंकि घर हमारा ले लें दूर है, तो हम लोग घर की तरफ चलते हैं। तो ये आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन भी दबा दें। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सपोर्टिंग मी। और मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट व्लॉग कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आपका अपना शेर शाह सवार का आदमी अब इजाज़त चाहता है आपसे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।